घबराए रहेंगी कल मेरा शो कॉल मत कर विश लीव मी अलोन. Hi guys, welcome back to my channel. You're watching me, Dolly Cruz, and I'm back with another reaction video. Before I start talking about which reaction I'm going to do today, I would like you to subscribe my channel and do hit the bell icon and like if you love my reaction and do share it. So, aaj ka song ya rap bolenge hai MC Stan ka. I have never ever reacted on his content. And I'm very eager, I'm very excited, बहुत ज़्यादा मैं excited हूँ because he's in Big Boss 2. So मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि trending चला है hashtag 2 पे, still it is hashtag 2, एक दिन पहले आ गया ये गाना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे reaction दूँ, why not taste something different. So this reaction is going to be totally very honest. मुझे जो पसंद आता है मैं बोल देती हूँ. एंड ये गाने का नाम है कल है मेरा शो. सो कल है इनका शो. एंड हियर वी गो. खबर आए रहेंगी कल है मेरा शो. खबर आए रहेंगी कल है मेरा शो. कॉल मत कर विश लीव मी अलोन. एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है. मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस हो गए. मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग. अभी करता नहीं किसको मैं क्लो. चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में. कल छोना मैंने ग्रीस देखो तेरे एरिया में. करा मैंने चीज ए ये मेरी बात हो रही फिर. मैं बस नहीं करता मैं देखता नहीं रिस. मैं गाने में लिखूं मेरा पेन. क्या बोलूं देखो तेरे साथ वाले लेंस. खुद को देख के मेरे आंखों से आते नहीं आंसू. हम लोग पेनलेस. खबर आए रहेंगी कल है मेरा शो. कॉल मत कर विश लीव मी अलोन. एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है. मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस हो गए. मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग. अभी करता नहीं किसको मैं क्लो. चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में. तू मेरी जिंदगी में आई लगी दलिन मेरी. अरे भी जो भी मर गए ले दूं. देखो मालूम तूने मेरे साथ में गलत करी. उस दिन मालूम पड़ा दुनिया एक हो. खबर आए रहेंगी कल है मेरा शो. 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 कॉल मत कर विश लीव मी अलोन. एवरी ब्रो इज नॉट योर ब्रो. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है. मेरी जिंदगी में तीन चार लोग मेरे को बस हो गए. मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग. अभी करता नहीं किसको मैं क्लो. चलो तुमको लेके जाता मेरे फ्लो में. Okay guys, so how was it? Well, khabar aayi ki kal hai mera show. Nice. Ab mujhe aisa lag raha hai ki jo music tha, personally if I say, मुझे म्यूजिक बहुत 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 पसंद आया. बीट्स बहुत सही थी. एंड लिरिक्स बहुत बहुत सही लिरिक्स थे. बहुत रियलिस्टिक उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करता हूँ. आई वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स ओनली 3-4. एंड कुछ तो उन्होंने टारगेट किया है लड़की करके. राइट, लड़की को टारगेट किया है कि तूने मेरे साथ गलत किया समथिंग. सो आई डोंट नो द होल स्टोरी. आई मीन if you are a die hard fan of MC Stan you might be knowing, but I don't know. So मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो गाना था, गाना का जो जो सॉन्ग था उसका लिरिक्स और ज्यादा हो सकते थे. मुझे थोड़े कम लगे लिरिक्स. एंड ऑनेस्टली इस सॉन्ग को मुझे सुन के एक और सॉन्ग की याद आई, वो अनदर माई फेवरेट आर्टिस्ट एनी वे, खोना है.
थोड़ा खोना है वाली वाइब्स नहीं दे रहा था क्या गाइस ये वाला सॉन्ग? बट इफ लेट्स नॉट कंपेयर टू सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट, बट व्हाट आई फेल्ट कि ये जो भी ये फीलिंग था कि ये थोड़ा और ज्यादा ये बयां कर सकते थे अपने सॉन्ग से, थोड़ा और लंबा खींच सकते थे. इन्होंने ज्यादा म्यूजिक पे स्ट्रेस दिया, और मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके लिरिक्स स्ट्रांग हो, लिरिक्स और दमदार हो सकते थे तो ये गाना और ज्यादा बेटर हो सकता था, व्हाट आई फेल्ट. बट एज यू नो दैट ही इज ऑलरेडी फेमस, एंड माय ओपिनियन रियली डज नॉट मैटर अ लॉट नाउ. सो आई मीन आई एम हैप्पी इफ यू नो द फैन ऑफ एमसी स्टैन आर हैप्पी. I do not have any issue, and yes, I enjoyed it. I enjoyed the vibe. I enjoyed the lesson behind it. क्योंकि हमें क्या होता है कि हम इतने सारे दोस्त बनाते हैं, धोखेबाजी निकलते हैं. धोखा किसकी लाइफ में नहीं आता है, सबकी लाइफ में धोखा एक्सपीरियंस होता है एक ना एक टाइम पे. एंड उसी से हम सीखते हैं, उसी से हम चूज करते हैं वाइजली कि हमें किन को अपनी लाइफ में रखना है, किसे नहीं रखना है, कौन रियल में हमारे दोस्त है, कौन नहीं है, कौन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं. सो वो चीज़ें होती हैं, एंड वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में ही आती हैं. धोखे कुछ नेगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है ताकि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ें. सो दैट हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ, एंड दोज हु लर्न फ्रॉम इट बिकम्स सो टैलेंटेड, सो फेमस एंड सक्सेसफुल लाइक हिम हु डज नॉट यूज देन यू नो यूज देयर लर्निंग्स. सो उनके साथ तो फिर वो चीज़ें रिपीट होती हैं. सो सीखना ज़रूरी है गाइस, आप कुछ हो ना हो आप अपनी गलतियों से सीखें, एंड ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें. आप किसी भी लेवल पे हो, आप सपोर्ट ह्यूमैनिटी. आप कितना भी सक्सेस हासिल कर लो, अगर आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई काम करोगे तो यू नो एक लॉ होता है, यू कैन नॉट सक्सीड इफ यू आर यू नो इफ यू आर नॉट फर्स्ट थिंग इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल. सेकेंड थिंग, इफ यू सक्सीड विदाउट नोइंग सम लॉज ऑफ यूनिवर्स, then that success is not permanent. So it happens. And yes, successful होने का एक ही रास्ता होता है, वो है hard work and be real, be honest. So thank you for watching me. If you loved my reactions, do like, share, comment and bell icon को press करें ताकि notifications आते रहे आप लोगों के पास. अभी के लिए बस इतना ही. Thank you for watching me. Bye-bye, love you. Take care, stay blessed and stay tuned. Love you all.